वही अगली खबर राजनांदगांव जिले से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ईवीएम मशीन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो नंबर की मशीन अलॉट हुई थी उसके बदले दूसरी मशीन आई है और कहीं कहीं मशीन खराब होने की भी शिकायतें मिली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़रिया में पुलिस वालों द्वारा टेडेसरा में मुझे रोका गया है। उन्होंने अपने जीत के 100% आश्वस्त होने का बताया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकसभा के मतदाता फोन करके शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम में बाकी प्रत्याशियों की फोटो बड़ी और स्पष्ट है, लेकिन मेरी फोटो छोटी और अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। कुल मिला के शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, लेकिन जैसे कि अभी पंडरिया में 14 नंबर पोलिंग बूथ में पुलिस वाले धमका रहे हैं, डराने धमकाने काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ टेढ़ी सड़क में गुंडागर्दी खत्म हो गई, मुझे बूथ पे जाने हो गए, आपको अधिकार नहीं, मेरे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बूथ में जाने हो सकता है। प्रत्याशी को मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, कहीं एक जगह पता चला कि जो नंबर की मशीन थी जो इलाज था वो दूसरा मशीन आ रहा है, उसका नंबर कुछ और था, इस प्रकार की शिकायतें और कहीं कहीं मशीन बिगड़ने की शिकायतें आ रही।